हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी दूसरे का ईमेल आईडी अपने फ़ोन में कैसे लॉगिन कर सकते हैं या अपनी दूसरी ईमेल आईडी अपने फ़ोन में कैसे लॉगिन कर सकते हैं, कैसे उसका अकाउंट क्रिएट करके उसका पासवर्ड डाल के आप उसको एक फ़ोन में 2-3-4 ईमेल आईडी चला सकते हैं। अगर किसी दूसरे का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी अपने मोबाइल में चला सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, चलिए दोस्तों बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपनी जी मेल आईडी ओपन कर लेना है। जैसे आप अपनी जी मेल आईडी ओपन करेंगे, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। नीचे की ओर आना, सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको गूगल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गूगल पे क्लिक करेंगे तो कुछ ये प्रोसेस लेगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने आपके मोबाइल का पासवर्ड मांगेगा, जो आपके मोबाइल का पासवर्ड होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद ये कुछ प्रोसेस इस तरह लेगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ईमेल आईडी मांगेगा, तो आप को जो ईमेल आईडी इसमें डालनी है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ से दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, जो भी ईमेल आईडी आप इसमें लॉगिन करना चाहते हो। इसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड मांगेगा, तो आपको यहाँ पर पासवर्ड इसका डाल देना है। तो जैसे आप इसका पासवर्ड डालोगे तो आपकी ईमेल आईडी लॉगिन हो जाएगी। इसलिए हमें आपको अपना पासवर्ड डाल देना। करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी ईमेल आईडी होगी वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो आप अपने फ़ोन में अपनी ईमेल आईडी चला सकते हैं और दूसरे की ईमेल आईडी भी चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर नीचे कुछ यस करने को आएगा, तो यस आई एम करके आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद कुछ देर आपको वेट कर लेना है। इसके बाद आपको आई एग्री के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपनी आई एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख पाएंगे। डेटा लोडिंग लेने के बाद दोस्तों आपकी जो जीमेल आईडी होगी वो आपके फ़ोन में लॉगिन हो जाएगी और आप इसको बहुत ही आराम से चला सकते हो। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आपकी ईमेल आईडी थी वो यहां पर लॉगिन हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। तो आप इस तरह दोस्तों अपनी जीमेल आईडी किसी दूसरे की जीमेल आईडी अपने फ़ोन में चला सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।